आज गुलबर्गा के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि डॉक्टर मोहम्मद मिनाज अफसूरी सर, जो MCH न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन जो मद्रास मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट करके आए हैं, वो गुलबर्गा को चूज़ करके यहाँ के लोगों को सर्विस देना पसंद किए हैं। तो बहुत तहे दिल से मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम टू गुलबर्गा। एंड डॉक्टर मिनाज सर, पहले से मैं उनको बचपन से, वी आर फ्रेंड्स, आई नो हिज एंथुजियाज्म टुवर्ड्स द वर्क एंड द डेडिकेशन टुवर्ड्स हिज वर्क। एंड जो जब वो पढ़ रहे थे कंटिन्यूसली ही वॉज इन टच विथ मी, जो केसेस के बारे में जो हो रहे थे अपने हॉस्पिटल में वो डिस्कस कर रहे थे, एंड ही वॉज़ वेरी हैप्पी। तो वो एंथुजियाज्म देख के आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम टू गुलबर्गा, तो ही हैज़ एक्सेप्टेड एंड ही हैज़ गुलबर्गा को सर्विस देने के लिए तैयार हुए। एंड ख़ास तौर से अल्हम्दुलिल्लाह मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वो 24/7 वक्त देने के लिए आए हैं। तो उनके वेलकम में हम लोग एक आज एक न्यूरो ट्रॉमा अवेयरनेस एक जो प्रेस मीट रखा है न्यूरो ट्रॉमा अवेयरनेस के लिए, इसलिए कि जब एक पेशेंट या फिर एक आदमी कोई गिर जाता है, जब सर को मार लगता है तो क्या करना चाहिए, क्या हर एक आदमी जो गिरता है उसको CT स्कैन करना ज़रूरी है, या हर चीज़ छोटे छोटे जो सवाल रहते हैं उस चीज़ की डिस्कस करने के लिए हेड इंजरी के क्या सर्जरी होते हैं, कि डॉक्टर साहब क्या सर्जरीज कर सकते हैं, स्पाइन सर्जरीज में क्या कर सकते हैं। जो मेजर सर्जरीज हम जो हैदराबाद एंड बेंगलोर मुंबई में करते थे, एंड सर तो चेन्नई से करके आए हैं, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्जरीज और ऑलरेडी गुलबर्गा में चल रहे हैं। तो सर आने के बाद एक वन मोर फैदर इज़ एडेड टू दी गुलबर्गा न्यूरो सर्जरी टीम आई कैन से। एंड डॉक्टर शशांक संगोली सर ऑलरेडी हमारे हॉस्पिटल में हैं, एक न्यूरो सर्जन, एंड सर विल ऑल्सो जॉइन हिज टीम। तो एक टीम के तहत इंशाल्लाह न्यूरो टीम बनेगा यहाँ पे, एंड वी आर रेडी टू गिव ऑल दी सर्विसेज इन न्यूरो सर्जरी। आगे जो सर क्या क्या कर सकते हैं, केसेस क्या क्या करेंगे, इसका डिटेल इंशाल्लाह सर आपको बताएंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मिनाजुद्दीन अफसूरी, जो कि एक पेशेंट से न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन हूँ। मेरा बेसिकली गांव जो भी है, मैं पैदा बॉर्न बॉटम यहीं पे हुआ गुलबर्गा में, और डॉक्टर फारूक पहले से अपने दोस्ती वगैरह मुलाकात है, वो एक विजन से लेके गुलबर्गा में आया हूँ मैं वापस। तो बेसिकली मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन MRMC से हुआ है, MBBS, उसके बाद MS इन जनरल सर्जरी। मैं विम्स विजय यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस बल्लारी से किया हूँ, वो जो कि वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस में आता है कर्नाटका स्टेट में। और उसके बाद मैंने MCH इन न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी मद्रास मेडिकल कॉलेज से किया हूँ, चेन्नई में है, जो कि इंडिया का पहला न्यूरो सेंटर है, वो वन ऑफ द अर्लीस्ट न्यूरो सेंटर बोल सकते हैं उसको। और जो इंस्टीट्यूट से किया हूँ मैं, जो मद्रास मेडिकल कॉलेज है, वो इंस्टीट्यूट साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा न्यूरो ट्रॉमा केसेस वहाँ पे ज़्यादा आते हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट ट्रॉमा लोड वी कैन से, वो वैसे इंस्टीट्यूट से करके आया हूँ। सो वो एक विजन से, उसके बाद से मैं कंप्लीट करने के बाद MCH बैंगलोर के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में भी काम किया हूँ, उसके बाद हैदराबाद के आसपास एक वहाँ के भी प्लेसेस के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में काम किया के आया हूँ। अब यहाँ के ओवरऑल न्यूरोसर्जन्स गुलबर्गा में बहुत कम हैं, वो सर्विस देने के लिए एक इरादे से आया हूँ। ये जो कि सर्जरीज, न्यूरो सर्जरी, स्पाइन सर्जरी जो होते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए, हर स्पाइन सर्जरी, हर कॉम्प्लेक्स जो भी केसेस होते हैं ब्रेन रिलेटेड और स्पाइन रिलेटेड, रीढ़ की हड्डी के रिलेटेड, सर के रिलेटेड जो भी होते हैं, वो पहले बैंगलोर हैदराबाद जैसे मेट्रो सिटीज़ में हुआ करते थे, अब वो ट्रेंड चेंज हो गया है। वो ट्रेंड चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं सर्विस देने के लिए। तो जो भी सर्जरीज ब्रेन के रहते हैं, स्पाइन के रहते हैं, इंशाल्लाह यहाँ पे देने की कोशिश, सर्विस के लिए मैं आया हूँ मंदूर हॉस्पिटल में। ये चूज़ करने का मंदूर हॉस्पिटल यही इरादा है, लाइक यही इंटेंशन से आया हूँ कि यहाँ पे वेल इक्विप्ड डॉक्टर्स हैं, वेल इक्विप्ड OT है, वेल इक्विप्ड ICU सेटअप है, मतलब ये न्यूरो सर्जरी के लिए, जो भी ब्रेन और स्पाइन सर्जरी के लिए जो करना होता है उसके लिए टीम वर्क होना होता है, राइट। सो वो डिसाइड करने के बाद, मंदूर से डिस्कस करने, फारूक से डिस्कस करने के बाद, मैं उनका सेंटर चूज़ किया हूँ। मोस्टली 24/7 अवेलेबल रहूँगा इंशाल्लाह, टीम अच्छी है और इंशाल्लाह सर्विस भी देंगे। तो
मेरा अचीवमेंट्स एमएस में जैसे जो सीट लिया है एवरीथिंग इज़ द गवर्नमेंट कोटा फ्री सीट है और एमसीएच न्यूरो सर्जरी वन ऑफ द टॉप 100 रैंक्स में चूज़ करके ओवरऑल इंडिया में सेलेक्टेड बहुत हार्डली 100 से 200 सीट्स 200 सीट्स रहते हैं न्यूरो सर्जन वो और सेलेक्ट होके अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये सीट लिया हूँ चेन्नई से वहाँ से करके मद्रास मेडिकल कॉलेज से यहाँ पे आया हूँ इंशाल्लाह सर्विस देने के लिए। और सर्विसेज आपको बेसिकली न्यूरो एंड स्पाइन मतलब क्या है ये बताना चाहता हूँ। मैं जो सर्विस प्रोवाइड करता हूँ वो देखिए फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट्स होके सर को मार लगता है, सर को मार लगने के बाद थोड़े लोग बेहोश होते हैं, उन लोग को फिट्स आते हैं, झटके आते हैं, उसके बाद स्कैन कराना पड़ता है। तो स्कैन में जो जो प्रॉब्लम्स निकलते हैं जैसे कि खून क्लॉट जमा होता है, जैसे कि फ्रैक्चर्स होते हैं स्कल के, हाँ दिमाग के फ्रैक्चर्स होते हैं, क्लॉट जमा होता है, थोड़े लोगों को क्या है स्ट्रोक भी हो, स्ट्रोक जैसे प्रॉब्लम्स भी होता है बट वो गिरने से नहीं। बेसिकली न्यूरो सर्जरी इज ऑल अबाउट क्लॉट, क्लॉट जो ब्रेन में जमा होता है और जो फ्रैक्चर्स होते हैं स्कल में और जो पानी जमा होता है उसके लिए मैं एक्सपर्ट हूँ। तो उसके लिए क्रैनियोटोमीज रहने दो, जो भी सर्जरीज रहने दो, डिफिकल्ट केसेस मैं हैंडल कर सकता हूँ इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये एक और क्या होता है जो गिरने के बाद थोड़े लोगों में क्या होता है सर में सूजन आती है, इसको सेरिब्रल एडिमा बोलते हैं, सरी सूजन आती है उसके वजह से भी लोग बेहोश होते हैं, कोमा में चले जाते हैं। तो उसको भी हम इलाज करने के लिए आई एम वेरी मच एक्सपर्ट इन दैट। ओके वो उसको भी एनालाइज करके जिसको ऑपरेशन होना है ऑपरेशन, जिसको नहीं ऑपरेशन होना है बगैर ऑपरेशन के इलाज कर सकते हैं। और ये एक बात है। और एक क्या है स्पाइन के रिलेटेड जो भी गर्दन में दर्द बोल के आते हैं, कमर में दर्द बोल के आते हैं, रीढ़ की हड्डी में दर्द बोल के आते हैं, उसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। उसके रिलेटेड उसके ताल्लुक से जो भी बीमारियाँ हैं वो भी उसको बगैर ऑपरेशन के भी विथ ऑपरेशन भी इलाज करता हूँ मैं। तो वो एक उसका एक एक्सपर्टाइज हूँ। और बच्चों में सर बड़ा सर पैदा लेके पैदा होते हैं बच्चे, उनमें क्या है पानी जमा ज़्यादा होता है, हाइड्रोकेफेलस बोलते हैं उसको, उसके लिए शंट डालना है जो भी करना है सर चीज़ उसका भी एक्सपर्टाइज हूँ। और एक चीज़ क्या है ट्यूमर्स, ब्रेन ट्यूमर्स बोलते ही लोग घबरा जाते हैं, ब्रेन ट्यूमर्स क्या चीज़ है, ऐसा नहीं है, ब्रेन ट्यूमर का भी इलाज होता है हर चीज़ के लिए। ट्यूमर्स रहने तो उसमें ब्रेन ट्यूमर मतलब कैंसर ही बोल के नहीं है, उसमें नॉन कैंसरस ट्यूमर भी रहता है, तो उसका भी इलाज इंशाल्लाह यहाँ पे मनोर हॉस्पिटल में हम करेंगे। और उसका भी अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़ी तो उसकी सर्जरीज में भी आई एम वेरी मच एक्सपर्ट इन दैट, वो एक चीज़ है। और क्या है फिट्स बोल के छटके की बीमारी बोल के आते हैं उसके लिए भी इलाज करूँगा इंशाल्लाह। और जो भी कंटिन्यूस सर दर्द होता रहता है, रगां फटते हैं, खून जमा होता है, ब्रेन हेमरेज बोलता है, वो चीज़ों का भी एक्सपर्ट हूँ वो एक। और जो 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 भी किस्म के सर से लेके रीढ़ की हड्डी तक नीचे तक जो भी ट्यूमर्स होते हैं, जो भी डिस्क के प्रॉब्लम्स होते हैं, उसका भी इंशाल्लाह ट्रीटमेंट मैं देता हूँ, सर्जरी करता हूँ। सो बेसिकली मेरा कवरेज ब्रेन से सर से लेके पूरा रीढ़ की हड्डी तक जो भी बीमारियाँ हैं इंशाल्लाह मैं उसका सर्जरीज के साथ साथ बगैर सर्जरीज के भी मैनेज करूँगा इंशाल्लाह। और मैं वहाँ जहाँ से इंस्टीट्यूट से किया हूँ वहाँ पे एक एक दिन में 10-10 सर्जरीज होते थे इमरजेंसी। न्यूरो सर्जरी एक केस होना ही 3-4 घंटे लगते हैं, तो राउंड द क्लॉक 24 आवर्स सर्जरीज करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। वो उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और रिजल्ट भी अच्छे देंगे इंशाल्लाह। लोग क्या है क्लॉट हो गया बोलते हैं दिमाग में डर जाते हैं, वैसा नहीं है, वो जो है वहम बोलते हैं जो फोबिया बोलते हैं वो निकालना है मेरा काम इंशाल्लाह। मैं उसको सही से बता के करके इलाज करने की एक्सपर्टाइज रखता हूँ, तो घबराने की बात नहीं है। बेसिकली मेरा गांव ये गुलबर्गा यही है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं पे हुआ हूँ, स्कूलिंग भी यहीं है, मैं MBBS भी है, पढ़ने के लिए 8 साल बाहर गया था और वापस आया हूँ सर्व करने के लिए। इंशाल्लाह सर्विस अच्छे से देने का इरादा है। अगर जो भी रिलेटेड न्यूरो रिलेटेड न्यूरो स्पाइन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी बीमारियाँ हैं, ऑपरेशन से लेके बगैर ऑपरेशन जो भी करना है इंशाल्लाह मेरे पास अप्रोच हुई है, मंदोर हॉस्पिटल में अवेलेबल हूँ मैं, सर्विसेज इंशाल्लाह हमारे देने का इरादा है। एनी मेजर ऑपरेशन से लाइक जो ब्रेन BP ज़्यादा हो के शुगर ज़्यादा बढ़ के दिमाग के रगा फट जाते हैं बोलते हैं उसका क्लॉट ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग होने के बाद ब्रेन में बड़ा सा क्लॉट जमा होता है, उसको क्लॉट भी निकालना हो कॉम्प्लेक्स सर्जरी। लोग क्या समझते एक बार ब्रेन में ब्लीडिंग होने के बाद सीधा पेशेंट कोमा में गया तो वापस नहीं आता बोलते, तो ऐसा नहीं रहता अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे से क्लॉट निकाल के जो भी है खून के गड्ढा जो निकाल के पेशेंट को वेंटिलेटर से बाहर निकाल के डिस्चार्ज भी किए हैं, वो एक मतलब मेजर प्रोसीजर्स किए हैं। और क्या है स्पाइन के रिलेटेड भी अच्छे तरह से प्रोसीजर्स किए हैं,
जिससे सर में पानी जमा होना, बच्चे जो पैदा हो के ऑलरेडी बड़ा सर लेके पैदा होते हैं वो बच्चों में शंट डालना, वो भी ऑन ऑफ द बिजर प्रोसीजर, क्लॉट निकालना और क्या है ट्यूमर्स भी निकाले हैं, ट्री ट्यूमर्स, बड़े बड़े ट्यूमर्स जो रहते हैं सर के, वो भी ट्यूमर निकालना हो, वो पूरा एक्सपर्टाइज है हमें, अलहमदिल्ला इंशाल्लाह सर्विस देने का इरादा है यहाँ। थैंक यू।